अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड किचन 92। मैं हूँ मेरे रुकैया और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, बहुत लाजवाब, नवाबी, एकदम रॉयल डिश लेकर आए हैं हम। ये है मटन टकाटक। जैसे इसका नाम टकाटक है, वैसे इसका फ्लेवर लाजवाब और टकाटक सा है। गाइस ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चैनल पर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम चाँप ली है, ये देखिए। आधा किलो हमें कीमा लेना है, 150 ग्राम दही, एक बड़ी साइज़ की प्याज को ब्राउन कर लिया है, एक मीडियम साइज़ की प्याज को काट लिया है, 2 इंच अदरक के टुकड़े को काट लिया, 10 लहसुन के जवे को छील लिया है, 10 सूखी लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 बड़ी इलायची, 10 काली मिर्च, 6-7 लौंग, 6-7 इलायची और दालचीनी का टुकड़ा भी लेना है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून गुलाब का पाउडर, 1 टीस्पून केवड़ा वाटर, 1.5 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी। जार में हमने प्याज डाल दी है और इसमें मैं अदरक, लहसुन, साबुत धनिया, सूखी लाल मिर्च, लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, ज़ीरा, बड़ी इलायची डाल के ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना लूँगी। ये देखे, मैंने देखची में ऑयल गरम कर लिया है और जो मैंने पेस्ट बनाया था मसालों का, उसको मैंने उसमें डाल दिया है। और मसाला डालने के बाद मैं इसके अंदर हल्दी और नमक भी डाल दूँगी। ये देखिए, मैं इसके अंदर डाल देती हूँ नमक और ये हल्दी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। और इस मसाले को अगर आप लोग सील पे पीसेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब सा टेस्ट आने वाला है। तो आप इसको सील पे बनाइए तो मज़ा आ जाएगा। मसाले को अगर पीसिए तो थोड़ा सा मैंने पानी डालने के बाद अब मैं इस मसाले को भून लूँगी अच्छी तरह से। ये देखिए, मसाला अच्छी तरह से भुनने लगा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। अब मैंने इसके अंदर चाम्प डाल दी है, ये देखिए। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके भून लूँगी। अब मैं इसके अंदर कीमा ऐड कर दूँगी और कीमे को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, और बहुत ही इसका यूनिक फ्लेवर आता है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए रेसिपी कैसी लगी है आप लोगों को। और ये देखिए, दही के अंदर मैंने जो ब्राउन प्याज थी वो ग्राइंड करके बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लिया है। तो दही और प्याज है ये, मैंने वो भी इसके अंदर डाल दी है। थोड़ा सा पानी और ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लेना है और बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर आएगा आपका। ज़रूर ट्राई कीजिए मटन टकाटक। अब क्या करेंगे, इसको हमें दम पे रख के इसको पकाना है, मीन्स गोश्त को गलाना है, जो चाँप है। तो हमने आटे को गूंध लिया, थोड़ा पतला सा गूंध लिया है और चारों तरफ हम इसकी बाउंड्री लगा देंगे, क्योंकि हम इसे कुकर में नहीं बना रहे हैं तो इसकी सीटी नहीं लगेगी और ऐसे गोश्त गलने में बहुत वक्त लगता है। तो बिल्कुल रॉयल तरीके से पका रहे हैं हम, आटे को लगा देंगे, चारों तरफ बाउंड्री लगा देंगे। ये देखिए, मैंने इसी तरीके से लगा दिया है और इसके ऊपर प्लेट रख देंगे और धीमी आंच पे इसको 20 मिनट तक हम पका लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा स्टीम पे पकेगा ये गोश्त। ये देखिए, रख दिया है और मैंने इसके ऊपर जो जिस पे रोटी बेलते हैं वो मैंने इसके ऊपर हैवी सा रख दिया था, कुछ इसके ऊपर हैवी सा रख देना है। 20 मिनट बाद मैं इसको खोल के देख रही हूँ, ये देखिए, छुरी की हेल्प से खोल रही हूँ और मैंने गैस को बिल्कुल लो पे कर दिया है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा रंग आया है, इसकी खुशबू इतनी लाजवाब आई कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका था, मैंने चेक कर लिया, ऑयल भी इसके ऊपर आ गया है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये, ज़रूर ट्राई कीजिए आप लोग। अब हम इसका थोड़ा सा पानी खुशक कर लेंगे। ये देखिए, जैसे ही बॉयल होने लगा है ये देखिए, बस हम इसको इतने ही थिक रखेंगे। उस टाइम पे ही बहुत पतला था क्योंकि स्टीम पे ही पक गया था, पानी नहीं जल पाया था। अब हमने इसमें डाल दी कसूरी मेथी और रोज़ पाउडर। रोज़ पाउडर ये वो है जो गुलाब की पंखुड़ियाँ जो होती हैं, रोज़ पेटल्स जो होते हैं, उसको सूख जाने के बाद उसको पाउडर बना लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर, खुशबू आ जाती है। और ये देखिए, ऑयल भी, कसूरी मेथी डालने के बाद जो ऑयल नहीं आ रहा था वो भी ऊपर आ गया है।
ये देखिए बहुत ही लाजवाब रेसिपी है बहुत। और गैस को मैंने कर दिया है ऑफ़, और उसके बाद मैं डाल दूँगी केवड़ा वाटर, 2 मिनट बस इसे ढक दूँगी केवड़ा वाटर डालने के बाद, और ज़बरदस्त सी खुशबूदार रेसिपी सर्व करूँगी। ये देखिए मैंने कर दिया है मटन टकाटक को सर्व, बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलीशियस बना था गाइस, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिए, जो ऊपर आई का बटन आता है उस पर ज़रूर क्लिक करके रेसिपीज़ देख लीजिए कि मैंने कौन सी इसके ऊपर रेसिपीज़ डाली है। अगली रेसिपी में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी।